हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्रेशन सा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बुक। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या अपना कंट्रीब्यूट किया था, क्या योगदान दिया था, वो हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन फॉर्म ऑफ टेबल कॉल पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो कर दिया, सेट कर दिया उस टेबल में, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। दिस अरेंजमेंट हैड एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयरिंग एट रेगुलर इंटरवल। जैसा उसने अरेंजमेंट किया था उस हिसाब से हर एक एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज हर एक इंटरवल के पास रिपीट हो रही थी। उस फेनोमिना को बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, और जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीटेंस हो रहा था उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंक्लूड एटॉमिक रेडियस, इंसोलेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेट्रा। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी, मतलब जो रेगुलर इंटरवल्स हो रहे थे, वो एटॉमिक रेडियस, इंसोलेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे हो रहे थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से डिजाइन करके रख दिया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एक कोई भी एलिमेंट के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उनके एटॉमिक वेट के बराबर होंगी, मतलब वो हमेशा पीरियोडिक रहेगी, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। ग्रुप वन में हीलियम, लिथियम, सोडियम और भी है। ग्रुप टू में बेरिलियम, मैग्नीशियम। थ्री में बोरोन, एल्युमिनियम। फोर में सिलिकन, कार्बन सिलिकन, सोडियम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। ऐसे ही हमारे ये ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स हैं। ऐसे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया था, जिसमें फर्स्ट थ्री पीरियड्स में बस इतने ही एलिमेंट रखे गए थे। ग्रुप एट के लिए जगह छोड़ दी गई थी क्योंकि उस समय वह एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए थे। मेंडलीव कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मेंडलीव ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया? एलिमेंट अरेंज किए इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और वर्टिकल कॉलम्स बनाए। एलिमेंट विच आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट जो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में सिमिलर बिहेव कर रहे हैं उनको एक साथ डाल दिया। एलिमेंट इन सेम ग्रुप। अगर एलिमेंट की वैलेंसी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ गैप्स वर लेफ्ट इन द टेबल। जो पीरियोडिसिटी हो रही थी, मतलब जो इंटरवल्स हो रहे थे हर एक एलिमेंट के बीच में, उस हिसाब से गैप्स छोड़ दिए गए थे टेबल में। फॉर इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अभी अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें उसमें भी गैप्स हमें दिखेंगे, मतलब वो एलिमेंट भी अभी अननोन है, वो एलिमेंट भी अभी बन रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। वेकेंट गैप छोड़ दिए गए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम अरेंज्ड एलिमेंट। जो एटॉमिक वेट थे वो इनकरेक्ट हो गए थे कुछ एलिमेंट के। एटॉमिक वेट हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट निकालने के लिए मास को और नंबर को माइनस करना रहता है, तो वो कुछ कुछ के इनकरेक्ट हो गए थे क्योंकि नए एटम्स इन्वेंट हो गए थे, उसके कारण बहुत मेस क्रिएट हो गया था एटॉमिक वेट के बीच में। इसलिए जब एटम्स क्रिएट होने के बाद एटॉमिक वेट कुछ गलत हो जा रहे थे। डिफेक्ट क्या हो गया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में? एनॉर्मस पेयर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के जो पेयर्स थे वो कभी हायर एटॉमिक वेट में आ रहे थे और कभी लोअर एटॉमिक वेट में आ रहे थे, तो इसका कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं था। इसलिए वो पेयर्स ऑफ एलिमेंट एक भी एक साइड में नहीं थे, कोई भी एलिमेंट कहीं भी जाके रह रहा था। पोजिशन ऑफ रेयर अर्थ एंड एंटीसाइड, ये सब अलग रखना रहता है, लेकिन यहाँ पे ये सब साथ में रखा हुआ था एटॉमिक नंबर के हिसाब से, क्योंकि अरेंज किया हुआ था। पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का पोजिशन भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है, लेकिन मेंडलीव ने ये काम नहीं किया था। अब हम पढ़ेंगे मॉसले ने क्या इन्वेंट किया था, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल में। मॉसले का है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम जो पीरियोडिक टेबल फॉलो कर रहे हैं वो है मॉसले पीरियोडिक टेबल, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉसले क्लासिफिकेशन जैसे किया था उस हिसाब से भी पीरियोडिक टेबल फॉलो हो रहा है। मॉसले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मॉसले का जो डिफेक्ट था उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से निकाला और फिर अपना पीरियोडिक टेबल कर दिया।
मोजरे ने ज्यादा कुछ नहीं किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा हिलाया डुलाया और अपना पीरियोडिक टेबल बना के रेडी कर दिया। मोजले ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में से जो ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे उसमें बस एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर ट्रांसफर किया। मोजले ने चेंज किया, मोजले ने बनाया था एटॉमिक वेट के हिसाब से, मेंडलीव ने बनाया था एटॉमिक वेट के हिसाब से, मोजले ने बना दिया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है जो एटॉमिक वेट पे फंक्शन करती है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे हो रही है। अभी तक जो भी साइंटिस्ट आए थे सब एटॉमिक वेट पे सारा कर रहे थे, लेकिन मोजले ने सब पलट दिया। मोजले बोला एटॉमिक नंबर पे सब चीज होगा और फिर पीरियोडिसिटी दिखाई प्रॉपर्टीज में। यही रीजन हुआ कि मोजले का जो पीरियोडिक टेबल है वो अभी तक चला आ रहा है, क्योंकि नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया गया है तो वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो वही होगा ना, वेट चेंज होगा, बैलेंसी चेंज होगी, लेकिन नंबर चेंज नहीं होगा। जो ऐड होगा वो पीछे से ऐड होगा, आगे कोई चीज़ में चेंजेस नहीं आ सकती है। अभी अभी हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। अरेंजमेंट 7 हॉरिजॉन्टल रोज बने थे और 8 वर्टिकल कॉलम्स बने थे। इसको पीरियड्स या ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। वो इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर अरेंज किए गए थे। ये था अरेंजमेंट। पीरियड्स क्या थे? वो बिगिनिंग हो रहे थे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल के, और जो एंड हो रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे पीरियड्स बने हुए हैं। ग्रुप कैसे बने हैं? ग्रुप बने हुए हैं टोटल 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में 1 और 2 रिएक्टिव मेटल्स के ग्रुप है, 3 टू 12 ट्रांजिशन मेटल्स है, 13 टू 17 नॉन मेटल है और 18 नोबल गैस है। ये है ग्रुप्स और ये कुछ फीचर्स है। इस हिसाब से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, अरेंजमेंट, पीरियड और ग्रुप्स। ये है मोजले का बनाया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें टोटल 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। इसमें ए, ये रहा ए पार्ट, ये जो है फॉर ग्रुप 1 इतना से लेके इतना तक, ये है ए पार्ट। फिर इतना दूर बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। ए है अल्कली मेटल्स, बी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सी है ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें हैवी मेटल्स शामिल है डार्क ब्लू में, और जो मेटल्स लाइट ब्लू में दिख रहे हैं वो है वीक मेटल्स। इसमें जो रिएक्शन होगा उसमें हाइड्रोजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ये वीक मेटल्स है। मैं ये ब्राउन्स में जो आ रहे हैं वो है मेटलॉइड, वो मेटल्स के दादा है, इसको बोलेंगे मेटलॉइड। नॉन मेटल्स, जो मेटल्स नहीं है, ऑरेंज कलर के जो भी इधर दिख रहे हैं ट्राइंगल शेप बना रहे हैं वो है मेटलॉइड, मतलब नॉन मेटल। और ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं एक लाइन में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये है हेलोजेंस। नोबल गैस, नोबल गैस में क्या होता है, ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं वो नोबल गैस है, वो केमिकली इनहर्टेड रहते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडॉन। ये है आपके, ज़्यादा नोबल गैस नहीं होते हैं, बस कुछ ही नोबल गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो आते हैं सी पार्ट में, जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, हैवी एलिमेंट और वीक एलिमेंट। वीक एलिमेंट में कम होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, सिन, टिन, लेड और बैलोमिथ। ये ही है बस, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है वह वीक मेटल्स। लेकिन जो भी डार्क ब्लू में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे का सारा पार्ट, ये सब ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं, जो है हैवी मेटल्स। ग्रुप 1 हम लोग पहले वर्टिकल में लेते हैं फिर हॉरिजॉन्टल में लेंगे। ग्रुप वन में आते हैं हाइड्रोजन, लीडियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये सिंबल दिया हुआ है, ये ऊपर वाला एटॉमिक नंबर है, ये नेम है और ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से मोजले ने डिफाइन किया था, इसलिए हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पे 57 दिया है, 57 के बाद 58 यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 6th और 7th पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एक साथ यहाँ पे नहीं अट रहे थे, इसलिए हम एक चीज को डिफाइन करके नीचे दे दिया गया है। लैंथाइड सीरीज एक अलग टॉपिक भी है, इसलिए भी इसको अलग किया गया है, और एक साथ न अटने के कारण भी ये पार्ट को अलग किया दिया गया है। ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बैरियम, रेडियम। ग्रुप 3 छोटा सा है, स्कैंडियम, यट्रियम, लैथ्रियम, एक्टिनियम।
ग्रुप फोर में टिटनियम, जिक्रोनियम, हैफियम, रेबदरफोनियम। ग्रुप फाइव में वेंडियम, निबोबियम, टैलानियम, ड्यूबियम। सिक्स में क्रोमियम, मॉलिबियम, टंगस्टन और सेरोवियम। मैंगनीज, टेक्सटियम, रीहियम, बोरियम। ग्रुप सेवन में ग्रुप एट में है आयरन, रोदनियम, ओशियम, हैसियम। ग्रुप नाइन में है कोबाल्ट, रोधियम, इरिडियम, मेट्रिलिनियम। ग्रुप टेन में निकल, पैरलिनियम, प्लैटिनम, ड्रामस्टेडिनम। ग्रुप इलेवन में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोएंट्रिजिनम। ग्रुप ट्वेल्व में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर निकम। ग्रुप थर्टीन में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गेलियम, इंडियम, थैलियम, निहोयम। 14 में कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फेल्वोयम। ग्रुप 15 में आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, मिको, मासोविकम। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलिनियम और आता है लिवोरमोनियम। ग्रुप 17 में आता है फ्लूरोइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, एस्टाइन, टेस्टाइन। ग्रुप 18 में आपको सारे नोबल गैस रहेंगे, बस एक आपको आएगा ट्रांजिशन मेटल, वो भी हैवी मेटल, जिसका नाम है ऑर्गेनेशन। बाकी जो एक ग्रुप 18 में है वो है हीलियम, नियन, आयरन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये है ग्रुप वाइज। अब हम स्टडी करते हैं पीरियड वाइज। पीरियड वन में हाइड्रोजन, पीरियड टू में लिथियम, बेरिलियम, थ्री में सोडियम, मैग्नीशियम, फोर में सोडियम मैग्नी। पीरियड वन में आता है हाइड्रोजन और हीलियम, पीरियड टू में लीडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियॉन। थ्री में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर में आता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टन। अब जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि हर एक टाइप के एलिमेंट पीरियड्स में आ जाते हैं। ग्रुप में वो शायद नहीं कवर हो पाए, लेकिन एक पीरियड में हर एक टाइप के, ऑलमोस्ट हर एक टाइप के एलिमेंट कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप पीरियड फाइव, रबियम, स्ट्रोमियम, यूट्रियम, जिक्रोनियम, निबोबियम, मॉलिबियम, टेक्नियम, रदियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैमियम, इंडियम, टिल्क, एंटीमोनी, टेलूरियम, आयोडीन, ज़ेनॉन। सिक्स में आता है कैसियम, बैरियम, लैंथम, हैफियम, टैलोनियम, टंगस्टन, रेहियम, ओसीमियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थैलम, लेड, बिस्मिथ, पॉलिनन, एस्टलाइन, रेडा। पीरियड सेवन में आता है फ्रांसम, रेडियम, आक्टिनम, रदरफोर्डम, ट्यूबियम, ड्यूबियम, सीबॉर्डियम, बोहिरियम, हैजलम, मेटेलिनियम, ड्रामस्टेडियम, रॉन्ग्नेस्ट्रियम, रॉयनस्ट्रियम, कॉपरनियम, निभोवियम, फेलोनियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोहियम, टेलिसनाइन, ऑगस्नन। ये पीरियड सिक्स का ही अदर पार्ट है, उसको बोलेंगे रैथनाइन सीरीज। वो है रेयर अर्थ मेटल्स, उसमें आते हैं सीरियम, पेरसीडोमियम, निडोमियम, प्रोमियमथियम, सामारियम, इलोपियम, गेलानियम, टर्बलम, डायपरसियम, हालमम, ईरबलम, थलमम, येटरबियम, लुथरियम। नेक्स्ट आते हैं एक्टिनियन सीरीज, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो हर एक के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। थोरियम, अर्नियम, नेप्टियम, प्लोमाइन, अमेरियम। ये अमेरिका में डिजाइन किया जाता है इसलिए उसको उसके नाम से कर दिया गया। क्यूरियम, बेलिकियन, कैलिफोर्नियम, एलिस्ट्रियन, फेमिलियन, मैल्डवियम, नोबिलियम, लैक्वेरियन। अभी इसमें आप देखे होंगे कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम आ गए। रदरफोर्ड बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इसका नाम आ गया क्योंकि इसने ही एलिमेंट डिजाइन किया था, इसलिए इसने अपना एलिमेंट अपने नाम पे ले लिया, रदरफोर्डियम। यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉजले ने डिजाइन किया था। जब वैसे पहले मेंडलीफ आया था, मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड्स बनाए थे, फिर मॉजले ने उस पर और एक्सपेरिमेंट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे जगह खाली है, ये ग्रुप टू में फर्स्ट पार्ट खाली है, ये ऊपर वाला पार्ट खाली है,
इतने सारे स्पेस खाली है, मतलब इतने सारे एलिमेंट, 118 एलिमेंट के बाद भी बहुत एलिमेंट बाकी रह गए हैं जो अभी तक नहीं बने हैं, उसके लिए भी जगह छोड़ी गई है। तो ये हमारा फाइनल टेबल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट की डिजाइनिंग हर एक दिन हर एक मिनट होती रहती है। ये अभी तक लेटेस्ट टेबल है जो मॉजली ने बनाया था, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।